So first is that you should, before you even submit a trademark application or, you know, even if you are starting your business और आप नाम सोच रहे हो कि मैं क्या नाम रखू, better है कि आप एक advocate से consult करके आप एक generic एक trademark search complete करें. तो trademark के portal पे on IP India's website, we'll try to link it down in the comment section below. So आप उस website में जाके ढूंढ सकते हैं कि ये अगर मैं product बेच रही हूँ उससे कॉफी, तो अगर मेरे मैंने उसका नाम कुछ रखा है, से फॉर एग्जाम्पल बाटा. बाटा ऑफकोर्स हम यूज नहीं कर सकते, वी ऑल नो इट्स अ वेरी वेल नोन मार्क, बट एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि मुझे बाटा बेचना है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट, मुझे नाम रखना है बाटा. पहले आप सर्च कीजिए, कोई और बाटा तो यूज नहीं कर रहा, यू नेवर नो, समबडी इज ऑलरेडी यूजिंग इट, किसी ने ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा हुआ है या फिर वो इन प्रोसेस में है. तो इट इज बेटर कि आप सर्च कर ले, देख लीजिए कोई सिमिलर नेम तो नहीं है, सेम तो नहीं है, या फिर विच इज वेरी फोनेटिकली सिमिलर. वो पहले क्लियरेंसेज, बेसिकली जो हम कंप्लायंसेस कहते हैं, पहले आप क्लियरेंसेज ले लो कि हाँ मेरे जैसा कोई भी, जो मैंने नाम सोचा है वैसा और कोई नाम मार्केट में नहीं है. वंस यू आर वेरी श्योर कि हाँ कोई भी नहीं है, मैंने जो वर्ड सोचा है वो एक इन्वेंटिव नया वर्ड है, अच्छा वर्ड है, यू नो इट्स फैंसी, इट्स डिस्टिंक्टिव, देन यू गो अहेड एंड यू फाइल योर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन. तो जैसे कि मैंने बताया, इट्स अ वेरी नॉमिनल, मतलब 10,000 भी नहीं होते हैं आपकी ऑफिशियल फीस अगर आप देखा जाए तो. तो आपको पहले आपकी एप्लीकेशन फाइल कर देनी है, फाइल करेंगे उसके बाद जाता है आपका एप्लीकेशन एक एग्जामिनेशन स्टेज पे, जहाँ पे ट्रेडमार्क ऑफिसर्स एग्जामिन करेंगे कि आपने जो एप्लीकेशन सबमिट किया है वो सब बराबर है क्या, हैव यू गिवन ऑल द डिटेल्स प्रॉपरली, आपने अगर कुछ अटैचमेंट किया हो, जो कुछ अटैचमेंट होते हैं, जैसे कि मैं रजिस्टर कर रही हूँ आज के दिन, लेकिन मैं तो यूज कर रही हूँ वो प्रोडक्ट 2 साल पहले से, तो मैं ये फाइल कर सकती हूँ यूजर एफिडेविट डाल के कि मैं ये बिजनेस चला रही हूँ 1st of March 2022 से, पर रजिस्टर में अप्लाई मैं आज कर रही हूँ, पर मैं 2 साल से चला रही हूँ. तो अब वो जो मैं 2 साल से जो चला रही हूँ उसका मुझे देना पड़ेगा थोड़ा सा प्रूफ, एक एफिडेविट लगेगा आपको, और प्रूफ के नाम पे आप इनवॉइसेस भेज सकते हैं, आपने एडवर्टाइज किया होगा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, से फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ दैट, अटैच इट, प्रोबेबली अ न्यूज़पेपर एड और अ मैगजीन प्रिंट, अटैच ऑल ऑफ दैट, योर इनवॉइसेस एटसेट्रा, जस्ट टू शो दैट यू हैव बीन यूजिंग योर मार्क फॉर 2 ईयर्स, वैसे सब. और आपका मार्क, दे ऑल्सो कंडक्ट अ सर्च कि भाई आपका मार्क ऐसा तो नहीं है ना कि उनके ऑलरेडी रिकॉर्ड्स में सिमिलर या सेम नेम ऑलरेडी है, that they'll do that hygiene check. उसके बाद they will issue. अगर issue raise होता है so वो लोग आपको एक examination report भेजते हैं जिसका आपको reply करना होता है. Objection आता है basically main दो चीज के लिए. एक ये होता है कि आपने name, कोई geographical name, आपने जैसे आपका brand name के अंदर आ रहा है India, India's best, ऐसा कुछ वो सब आप नहीं रख सकते. तो वो एक कंपल्सरी, देयर इज अ लिस्ट, बेसिकली एक सेक्शन के अंदर पूरी लिस्ट दी हुई है व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन नॉट ट्रेडमार्क. तो अगर आपका ब्रांड नेम उस कैटेगरी में आता है सो दैट दे विल रेज एन ऑब्जेक्शन. दूसरा ऑब्जेक्शन यही है कि इट इज वेरी सिमिलर टू somebody else's ट्रेडमार्क, ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, और somebody that who's already applied, सो दैट यू कैन नॉट रजिस्टर. कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं जो थोड़े क्लेरिकल इन नेचर होते हैं, आपको वो बोल भी देते हैं कि प्लीज सबमिट सो एंड सो, या ये इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी प्रोवाइड कीजिए, और वो हो जाता है. यू जस्ट हैव टू रिप्लाई टू दैट एग्जामिनेशन रिपोर्ट एंड इट्स गेट्स डन. उसके बाद होता है, अगर एग्जामिनर सैटिस्फाई हो जाता है आपके रिस्पॉन्स से, उसके बाद ये चीज चली जाती है सीधा एडवर्टीजमेंट पे. तो 4 मंथ्स के लिए आपका ट्रेडमार्क एडवर्टाइज होता है. तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी थर्ड पार्टी, जनरल पब्लिक, अगर उनको लगता है कि ये ट्रेडमार्क एडवर्टाइज हुआ है, ये ट्रेडमार्क शायद इट इज वेरी सिमिलर टू माई ट्रेडमार्क, तो देन दे कैन अपोज कह रहे भाई ये मेरा मार्क है, यू कैन नॉट यूज इट, या फिर इट इज वेरी सिमिलर साउंडिंग टू माई ट्रेडमार्क, देन प्लीज डोंट यूज इट, देन दे विल अपोज इट. वो एक प्रॉपर अपोजिशन की हियरिंग होती है, देन दैट टेक्स टाइम, वो टू एंड फ्रो थोड़ा होता है, एंड देन फाइनल ऑर्डर पास हो जाता है. अगर आपको कोई भी अपोजिशन नहीं आता है, क्लियर है, 4 महीने से आपका एडवर्टाइज हुआ है,
तो आफ्टर दैट कंप्लीशन ऑफ दैट 4 months पीरियड आपका ट्रेडमार्क ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा और आपको आपका ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट मिल जाएगा. ट्रेडमार्क इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years. तो 10 साल तक तो आपका वो ट्रेडमार्क वैलिड है, देन एवरी 10 years यू कैन रिन्यू इट. और रिन्यूअल की फीस भी बहुत ही कम है, 10,000 से भी ज्यादा नहीं है. तो अगेन ट्रेडमार्क इज इट इज वेरी लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट आई वुड से. ऑफिशियल फीस की जब हम बात करते हैं तो इट इज अ वेरी लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट. सो आई वुड से प्लीज 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 डू दैट.